हेलो गाइज, वेलकम बैक एंड टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ दोस्तों कि इंस्टॉलेशन से पहले आप किस तरीके से सिस्टम का एक बैकअप बना सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि TPM किस तरीके से आप इनेबल कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम में TPM अवेलेबल है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा वेदर आपका सिस्टम रन कर सकता है विंडोज 11 या नहीं। इसके लिए दोस्तों आप हेल्थ चेक सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ऊपर कार्ड से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, चेक नाउ करने पे यहाँ पे मैसेज आ गया, दिस पीसी कैन रन विंडोज 11। सो बेसिकली इसमें विंडोज 11 रन कर सकता है। तो दोस्तों, विंडोज 11 इंस्टॉल करने से पहले आपको सबसे पहले अपने सिस्टम के BIOS मोड में जाना है और यहाँ पे BIOS सेटअप को ओपन कर लेना है। ये सिस्टम जो सिस्टम वैरी करता है दोस्तों, हो सकता है आप में डेल F1 F12 या F1 F2 या F12 ऑप्शन से BIOS मोड ओपन हो जाए। मेरे केस में F12 है तो मैंने BIOS सेटअप ओपन कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में TPM 2.0 सिक्योरिटी जो है ये इनेबल होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर इनकेस आप में नहीं है तो आप यहाँ सबसे पहले इनेबल कर लें। और अगर आप बूट से इंस्टॉल करना चाहते हैं दोस्तों विंडोज 11 को, तो आपको सिक्योर बूट यहाँ पे इनेबल करना होगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सिक्योर बूट इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे सेटिंग्स को सेव कर लें। यहाँ पे मैं अप्लाई चेंजेस कर लेता हूँ और इसे एग्जिट कर देता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में अबाउट सेक्शन में दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल है, अगर आपका जेन्युइन है तो वही सेम वर्जन विंडोज 11 का इंस्टॉल होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे विंडोज 10 प्रो इंस्टॉल है तो विंडोज 11 प्रो यहाँ पे इंस्टॉल होगा इस सिस्टम पे। और दोस्तों, बैकअप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम प्रोटेक्शन का। तो सिस्टम प्रोटेक्शन में आपको सबसे पहले यहाँ पे उस ड्राइव को सिलेक्ट करना है जिसमें आपका विंडोज इंस्टॉल है और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन कर दें और यहाँ पे साइज अप्रॉक्स 20 GB तक आप सेट कर दें। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आपको एक बार क्रिएट पे क्लिक करना है जिससे कि एक रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाए। इन केस दोस्तों अगर इंस्टॉलेशन के वक्त कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वापस से आप इसी रीस्टोर पॉइंट से रीस्टोर कर सकते हैं अपने सिस्टम को। मैं यहाँ पे इस रीस्टोर पॉइंट का नेम दे देता हूँ जस्ट बिफोर अपडेट और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आप सिस्टम रीस्टोर पॉइंट पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। अब आपको दोस्तों इस iOS फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। इसकी साइज दोस्तों 4.53 GB के अप्रॉक्स है। अब इसे डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको फिर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपका एक डिस्क इमेज क्रिएट हो जाएगा। सेटअप पे डबल क्लिक करके इंस्टॉलर को ओपन कर लेना है। अब इंस्टॉलर ओपन होगा और इंस्टॉल विंडो का यहाँ पे ऑप्शन आएगा तो आपको एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे नेट से सिस्टम कनेक्ट करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये कुछ अपडेट्स चेक करता है और आपके सिस्टम को भी चेक करेगा कि वेदर ये सुटेबल है या नहीं। और अगर आपका सिस्टम सुटेबल रहा तो ये इस तरीके का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक्सेप्ट कर लेना है। और दोस्तों, ये एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका PC कनेक्ट होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो भी आप इसे चार्ज पे रखें, क्योंकि इंस्टॉलेशन में आपको मोर देन हाफ एन आवर लग सकता है दोस्तों। आपका PC बहुत बार रीस्टार्ट भी होगा तो इंस्टॉलेशन के वक्त आपको PC को किसी भी तरीके से शट डाउन नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका सिस्टम एक ही पॉइंट पे स्टक होगा बहुत देर तक, बट आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली स्टेप्स को कंप्लीट होने देना है। यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट्स आ रहा है तो इसे कंप्लीट होने दें। सारे प्रोसेस में दोस्तों टाइम लगेगा थोड़ा, बट आपको पेशेंस रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है रेडी टू इंस्टॉल। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेरे सिस्टम में पहले से विंडोज 10 प्रो था, तो यहाँ पे विंडोज 11 प्रो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गया। यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दें दोस्तों, आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें काफ़ी वक्त लगेगा तो इसे कंप्लीट होने दें। और इस प्रोसेस के बीच में आपका सिस्टम रीस्टार्ट भी होगा दोस्तों, वर्किंग ऑन अपडेट्स करके इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो इसे भी आप अपडेट होने दें, कंप्लीट होने दें 100%। दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट। और अब अप्रॉक्स दोस्तों सेटअप इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया विंडोज 11 का। दोस्तों ये रहा डेस्कटॉप, पूरा टास्क बॉक्स चेंज हो चुका है। टास्क बॉक्स से बहुत सारे ऑप्शन
को हटा दिया गया है और स्टार्ट मेनू भी अब पहले की तरह नहीं रहा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं विंडोज 10 प्रो से विंडोज 11 प्रो हो चुका है और दोस्त लाइसेंस जो था वो अभी भी है, यानी फुल्ली एक्टिवेटेड अभी भी है। और भी बहुत सारे इसमें इंटरफेस में चेंज किया गया दोस्तों, बहुत ही कलरफुल आइकन्स, फोल्डर्स ये सब आ गए हैं, बहुत कुछ चेंज देखने को मिलेगा यहाँ पे इंटरफेस में। और जितने भी विंडोज़ ओपन होते थे दोस्तों उसके एज को कर्व कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन मेनू को भी, और इसमें शैडो इफेक्ट भी दिया गया है अगर देखा जाए तो। ये बहुत ही बढ़िया है इंटरफेस, इसका स्मूथ किया गया और थोड़ा फास्ट भी है पहले से है। और अगर आपको शट डाउन करना है या रीस्टार्ट करना है तो अब आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा इस पर क्या क्या चेंजेज आपको देखने को मिला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।